एक अदालत ने एक मस्जिद में अजान देने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पास के एक निवासी की शिकायत के बाद इसे लाउडस्पीकर से अजान न देने का आदेश दिया है। डर्बन में क्वाजुलू नटाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्वेल मिगांडी ने मस्जिद के खिलाफ अदालत को एक आदेश जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क पर एक पड़ोसी के घर के अंदर अजान की आवाज ना जा सके। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रा एलोरी एक हिंदू शख्स की शिकायत के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया जो मदरसा तालीमुद्दीन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के सामने रहता है। एलोरी ने शिकायत की है कि अजान की वजह से उसे दिक्कत होती है। चंद्र एलोरी एक हिंदू ने प्रार्थना करने के लिए कॉल की शिकायत की जो पड़ोस को एक अलग मुस्लिम वातावरण देता है। उन्होंने संस्थान को बंद करने का भी अनुरोध किया लेकिन मेंगदे ने ऐसा कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। यह मस्जिद जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कोरोना काल के इस दौर में जो लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आफत बनी हुई है और जो सऊदी से अपने देश छुट्टी पर आए हुए हैं उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि उन्हें सऊदी में फिर से काम पर कब जाना होगा और वो वापस जाएंगे भी या नहीं। वो उसी दुविधा में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही सऊदी हुकूमत ने एक बार फिर से यानी तीसरी बार छुट्टी बढ़ाने का ऐलान किया है जिससे बेशक अपने देश गए हुए प्रवासियों के लिए ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है और इससे वो चैन की सांस ले सकते हैं। सऊदी सरकार के शाही आदेश के तहत अब प्रवासियों के लिए 30 सितंबर तक सबकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि जो प्रवासी छुट्टी पर गए हुए हैं उनके लिए सऊदी सरकार ने एक बड़ा फिर से बहुत अच्छा ऐलान किया है। उनकी छुट्टियों को 30 सितंबर तक बढ़ाने का शाही आदेश जारी कर दिया गया है। जैसे ही खबर सामने आई उसी के साथ प्रवासियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की। किंग सलमान के इस कदम से साफ जाहिर हो जाता है कि सऊदी सरकार किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली और वो अपने प्रवासियों का सम्मान करती है और अपने यहाँ काम करने वालों की इज्जत करती है। सऊदी में प्रवासियों के लिए समय समय पर नए नियम कानून जारी किए जाते हैं ताकि प्रवासियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके और वो सऊदी में आराम से काम कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके अभी